हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जेगन आइस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं गुप्त वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। देखिए, श्रीगुप्त ने 240 से 280 तक शासन किया है और ये गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है, आपको बता दें प्राचीन राजवंशों में से गुप्त वंश सबसे प्राचीन और प्रमुख वंश रहा है और इसके संस्थापक सभी जानते हैं श्री गुप्त हैं और इनके पुत्र इनके बाद शासन किया घटोत्कच ने। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की और लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह इन्होंने किया था और जिसमें इनको वैशाली दहेज में प्राप्त हुई थी। आपको बता दें रजत सिक्के चंद्रगुप्त द्वारा चलाए गए थे गुप्त वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाणों के। तो कुषाणों के सामंत थे, ठीक है गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? सो फ्रेंड्स, ये जो उपाधि धारण की थी ये चंद्रगुप्त ने की थी। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सेकंड आंसर क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। यहाँ पर अभिलेख दिए गए हैं और किस राजा से संबंधित है ये हमें यहाँ पर कूट आंसर बनाना है। चलिए कूट आंसर इसका बनाते हैं। देखिए, प्रयाग या इलाहाबाद जो अभिलेख है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। बिलसार स्तंभ लेख ये कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है और मंदसौर जो लेख है वो बंधु वर्मन से संबंधित है। यानी जो कूट आंसर बनेगा 1 2 3 4, ये कूट आंसर बनेगा। सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन सी। आर्यभट्ट ये गुप्त शासकों में रहे हैं और एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी हुए हैं। आपको बता दें आर्यभट्ट का भारत और विश्व के ज्योतिष सिद्धांत पर बहुत प्रभाव रहा है। प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना इन्हीं के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? देखिए, गुप्त शासकों की जो सरकारी या दरबारी भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। सही आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? देखिए, भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये वी.ए. स्मिथ ने संज्ञा दी है भारत के नेपोलियन की समुद्रगुप्त को, इसकी विजय गाथा से प्रभावित होकर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? सो फ्रेंड्स, हुनों को जो रोका था ये रोका था स्कंदगुप्त ने। किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हुनों को भारत पर आक्रमण करने से जो रोका था वो स्कंदगुप्त ने रोका था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? देखिए, गुप्त राजवंश जो प्रसिद्ध था ये कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कला एवं स्थापत्य। देखिए, गुप्त राजवंश अपनी कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त द्वितीय का कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसके दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो हम फ्रेंड्स किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल से। तो अजंता कलाकृतियां जो हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं और इनमें बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं हैं उनका चित्रण इस गुफा में मिलता है और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। देखिए, अजंता की निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही गुफाएँ अब रह गई हैं।
जो गुफा संख्या है, देखिए पहले 29 थी, अब 6 है, 1, 2, 9, 10, 16 और 17 है। ये 6 गुफाएं वर्तमान में शेष हैं, ठीक है। और इन गुफाओं में से 16 और 17 वाली जो गुफाएं थी वे गुप्तकालीन थी, ठीक है। अजंता की गुफाएं हैं जो 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित इनको किया गया है। किसको? अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? देखिए कालिदास जो राजकवि थे ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की उपाधि जिन्होंने ली थी, तो कालिदास इनके राजकवि थे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं एवं दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं थी, अजंता की जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। देखिए चित्रकला के सर्वप्रथम जो सर्वोत्तम नमूने अजंता की से प्राप्त होते हैं, उनकी विषय वस्तु थी पशु पक्षी, वृक्ष, फल, मानव कृतियां और जातक कथाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नालंदा। ये बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है उत्तर गुप्त युग में, नालंदा, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए नालंदा बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण से लगभग 40 मील की दूरी पर स्थित है, ठीक है। सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। चीनी यात्री हेनसेंग लिखता है कि इसका संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के तीर्थरत्नों के प्रति श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? देखिए एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से, ठीक है। आपको बता दें एरन नामक ऐतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। प्राचीन सिक्कों पर इसका नाम एरिकिर्ण लिखा है। एरन के एक अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुआ था जो लगभग 510 ईसा पूर्व माना जाता है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए फाइयान जो आया था ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत आया था। किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक ये भारत में रहा। कब से? 399 से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा फाइयान, और चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत आया था, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? देखिए भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था ये था गुप्त काल, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, गुप्त काल, ठीक है। देखिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहनता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना जो है इन्हीं के समय में मानी जाती है, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैयान कहाँ का निवासी था? तो फैयान जो निवासी था ये चीन का निवासी था। कहाँ का? चीन का निवासी था, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। 399 से लेकर 412 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। तो चीनी यात्री था, तो चीन से आया था, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, चीन का निवासी था। सेतु बंध का रचनाकार परवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वाकाटक, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा वाकाटक। देखिए सेतु बंध का रचनाकार परवर सेन सेकंड वाकाटक वंश का शासक था। वाकाटक शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत के राजवंश के लिए किया जाता था, जिससे 30वीं सदी के मध्य से 6वीं सदी तक शासन इसने किया था। उस वंश को इस नाम से क्यों संबंधित किया, इस प्रश्न का सही उत्तर देना कठिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, क्यों कहा गया है?
देखिए हरिसेन के शब्दों में समुद्रगुप्त का चरित्र इस प्रकार का था, उसका मन विद्वानों के सत्संग सुख का व्यासनी था और इसके जीवन में सरस्वती तथा लक्ष्मी का अवरोध था, वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था, इस कारण से इसको कविराज कहा गया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख, ऑप्शन ए सही आंसर होगा कहोम स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बोधगया, बोधगया सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बोधगया। देखिए, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया नामक स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? देखिए, मंदिर निर्माण का सर्वप्रथम जो जन्म हुआ है वो गुप्त काल में हुआ है, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त काल में। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकेंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, शकों के उन्मूलन के बाद की थी, तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? देखिए, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो गुप्त काल के जो शासक रहे हैं उनके लोकप्रिय देवता रहे हैं विष्णु, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? देखिए, चंद्रगुप्त की एक विशेष विजय रही है शकों पर, ठीक है, शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने खुश होकर चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ शताब्दी में, ऑप्शन ए सही आंसर होगा चतुर्थ सदी में। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।